हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू यूजर 99 एंड वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। एक और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने आने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो भाई लोग, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप लोग अपने हाथ को गायब कर सकते हो। सॉरी गाइज, मजाक को साइड में रखते हुए आज हम गाइज एडिट करने वाले हैं बारडेक वाईटी की तरह वीडियो। अरे बारडेक वाईटी नहीं यार, क्या प्रोनाउंस होगा मुझे पता नहीं गाइज। तो आज हम इस चैनल की तरह वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं जो कि फ्री फायर फनी शॉर्ट वीडियो एडिटिंग करता है एंड बहुत ही मस्त मस्त वीडियो बनाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लाया जाए। भाई लोग, इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने जो भी मटेरियल का यूज किया है उन सभी मटेरियल्स का डाउनलोड लिंक आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लेना वीडियो को देखने के बाद। एंड भाई लोग, अगर आप लोग चैनल पर न्यू आ रहे हो, पहली बार के लिए आ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम ऐसे ही क्वालिटी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं आप सभी लोगों का हेल्प करने के लिए, तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस प्रीव्यू देखते हैं। गाइस, आप लोगों को काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करके 9:16 का एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। एंड गाइस, आप लोगों को ये वाला क्लिप, अपना जो क्लिप है इमोट वाला, उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड क्लिप को अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे रिकॉर्ड करना है तो मैं बता देता हूँ। आप लोगों को दीवार के पास जाना है, खड़े रहना है 8 सेकंड तक, एंड उसके बाद इमोट मारना है, एंड फिर इमोट मारने के बाद कुछ देर खड़े रहना है, ठीक है। तो क्लिप को ऐड करने के बाद आप लोगों को ये टॉम वाला क्लिप भी ऐड कर लेना है। एंड जहाँ पर आप इमोट मारना स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आप लोगों को स्प्लिट कर देना है, एंड वो जो पहले वाला क्लिप आपने स्प्लिट किया उसको थोड़ा स्लो कर देना है ताकि आप लोग टॉम वाले क्लिप के साथ मैच कर पाए, ठीक है। सो इतना काम करने के बाद टॉम वाला जो क्लिप है उसके क्रॉपिंग में जाएंगे, एंड क्रॉपिंग में जाके मास्क को इनेबल करके फीडर को 37 कर देंगे ताकि ये ऐसा लगे कि दीवार से ही प्ले हो रहा है, ठीक है, वीडियो ऐसा लगना चाहिए। तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को कर देना है, देख सकते हो बिल्कुल रेडी हो चुका है, फिट हो चुका है एकदम क्लिप, ठीक है। अभी गाइस आप लोगों को फिर से जाना है मीडिया के अंदर, ये ऑडियो वाला वीडियो क्लिप मिल जाएगा, इसको ऐड करके आप लोगों को एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। तो ऑडियो भी ऐड हो गया है हमारा। अभी टॉम वाले क्लिप को हम लोग क्या करेंगे, म्यूट कर देंगे ऑडियो। अभी गाइस देख सकते हो हमारा हो चुका है। अभी गाइस जहाँ पर हमने इमोट मारना बंद किया है, मतलब कि इमोट मारना एंड किया है, उस वाले क्लिप को हमें इस टाइप से होल्ड करके सामने ले आना है, ठीक है। तो अभी हम लोग खड़े रहने वाले हैं, उसके बाद इमोट होगा, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, अभी पैन एंड जूम में जाना है, एंड आप लोगों को क्लोज में जूम कर लेना है, ठीक है। एंड अभी मीडिया पर जाना है, एंड ये जो क्रीम वाला है ना, वैनिश क्रीम, इसका PNG आप लोगों को मिल जाएगा, इसको भी आप लोगों को ऐड कर लेना है। एंड कुछ यहाँ तक 10 सेकंड तक आप लोगों को इसको क्रॉप कर देना है, ठीक है। एंड क्रॉप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बाकी का जो इमोट वाला क्लिप है वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा एंड पे जाना है एंड स्प्लिट कर देना है, ठीक है। एंड गाइस जहाँ पे यहाँ पर इमोट मारना बंद हो रहा है वहाँ पर भी स्प्लिट कर देना है। एंड आप लोगों को यहाँ पर कैप्चर एंड सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, बैक चले जाना है, ठीक है। बैक जाके रिटच एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है आप लोगों को। एंड गाइस आप लोगों को अपना जो कैरेक्टर का स्क्रीनशॉट हमने खींचा था काइनमास्टर पे, वही स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ऐड करके रिटच में कुछ इस टाइप से पूरा कैरेक्टर के ऊपर इस टाइप से कर देना है। इससे क्या होगा गाइस, कैरेक्टर भी वैनिश हो जाएगा, सिर्फ दीवार पड़ा रहेगा। एंड अभी हम लोग इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद हमें फिर से काइनमास्टर पे बैक जाना है, एंड हमने रिटच में जो बनाया अभी तक उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद गाइज हमें क्या करना है, हमें जाना है पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर, अभी भी काम बाकी है। पिक्सार्ट पे जाके हमें कैरेक्टर का एक PNG बना लेना है। तो रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली कैरेक्टर का PNG बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग PNG पे सेव कर लेंगे। अभी गाइज एक और काम बाकी है, इरेजर वाले आइकॉन के ऊपर जाओ एंड बॉडी का पार्ट इरेज कर लो, जो भी पार्ट आप इरेज करना चाहते हो ना क्लिप में, ठीक है, उस पार्ट को आप लोगों को इरेज कर लेना है। तो मैं बॉडी को थोड़ा इरेज कर लूँगा एंड हाथ को रख दूँगा, ठीक है, क्योंकि टॉम वाले क्लिप में आपने देखा था हाथ थोड़ा इरेज हुआ है एंड बाकी का था। तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर PNG को सेव कर लेंगे आप लोग, एंड फिर से चले जाएंगे हमारे काइनमास्टर के अंदर। तो गाइस यहाँ पर चले जाना है आप लोगों को मीडिया के अंदर, एंड जो क्लिप में मतलब कैरेक्टर का फुल PNG है उस PNG को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है।
एंड अभी गाइस आप लोगों को फिर से जाना है मीडिया ब्राउजर के अंदर एंड बिना शरीर वाला जो कैरेक्टर है उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अच्छे से फिट कर देने के बाद गाइस जहां पर मतलब शरीर वाला जो कैरेक्टर है उसको आप लोगों को कुछ ट्रिम कर लेना है, ठीक है। कुछ इस टाइप से देख सकते हो। एंड इसका जो आउट एनिमेशन है इसको हम लोगों को फेड दे देना है ताकि ऐसा लगे कि बॉडी गायब हो गया है, ठीक है। कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एंड गाइस इतना काम करने के बाद यहाँ पर स्प्लिट लगा देना है आप लोगों को एक, ठीक है। एंड लास्ट पे आके क्या करना है, ऑडियो जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पे आप लोगों को ट्रिम राइट कर देना है, ठीक है। एंड क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है गाइज। तो क्लिप को एक्सपोर्ट होने के बाद आप लोगों को कैपकट एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट कर लेना है क्लिप को, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा एडजस्टमेंट वगैरह करना है। गाइज आप लोग अपने क्लिप के हिसाब से भी एडजस्टमेंट कर सकते हो या फिर चाहो तो मेरा एडजस्टमेंट भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, हाईलाइट, शैडो, शार्पन, इन सभी को छेड़खानी करना है। एंड विगनेट को भी थोड़ा इनेबल कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर विगनेट को रख रहा हूँ कुछ इतना, ठीक है, 4 रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं रखूँगा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करने के बाद बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को एंडिंग वाला पार्ट डिलीट करना है एंड एंड पे यहाँ पर जहाँ पर शरीर गायब हो रहा है उसके बाद आप लोगों को कुछ यहाँ पर आके स्प्लिट कर देना है एंड कैरेक्टर के जो मतलब हेड का पार्ट है उसको जूम कर लेंगे। एंड वीडियो इफेक्ट के अंदर जाना है, कैमरा सेक मिल जाएगा आप लोगों को, कैमरा सेक के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड गाइज आप लोगों को रेंज और स्पीड को बढ़ा देना है, ठीक है, एंड अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एंड हमारा क्लिप अभी रेडी हो चुका है, हम लोग क्लिप को एक्सपोर्ट कर लेंगे। Thank you.